धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। 2022 की सपा सरकार बनवाने में निभाएंगे अहम भूमिका बाल कुमार, घर वापसी पर सफाइयों ने किया जोरदार स्वागत। चित्रकूट कांग्रेस 2019 में बानो चित्रकूट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले मिर्जापुर के सपा पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के घर वापसी पर सपा जिलाध्यक्ष अरुण सिंह यादव ने अगुवाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने पत्रकारों से कहा कि बेरोजगार युवाओं पर योगी सरकार की पुलिस लाठियां भांज रही है, बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय लाठियों से पीटा जा रहा है। बुधवार को पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने कहा कि भावावेश में कांग्रेस में जाने से उनकी भूल थी, अब वह आजीवन सपा में रहकर 2022 के सूबे में सपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश को जनता याद कर रही है, जनता में खासी बेताबी है कि अब 2022 आए और अखिलेश के पक्ष में मतदान कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के बजाय लाठियों से पीट रही है, युवा योगी सरकार से खासे नाराज हैं, युवाओं की नाराजगी योगी सरकार को भोगनी होगी। पूर्व सांसद बाल कुमार सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था के आए दिन बच्चियाँ, महिलाओं व छात्रों पर दुष्कर्म का शिकार होना पड़ता है, योगी सरकार के बूते कानून व्यवस्था नहीं है, जनता महंगाई बेरोजगारी व सरकार की नीतियों से त्रस्त है, जनता को राहत सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दे सकते हैं, 2022 में अखिलेश की सरकार बनने के बाद ही जनता को राहत मिलेगी। प्रेसवार्ता में सपा जिलाध्यक्ष अनुज सिंह यादव, महासचिव फराज खान, सपा नेता गुलाब खां, नरेंद्र यादव, रशीद उर्फ चीनी भाई, रामसिया गुप्ता आदि उपस्थित रहे। चित्रकूट से रहमत अली की रिपोर्ट। अगर आपकी बात उठाता है तो उनके ऊपर लाठियां मारने का काम हो रहा है। इस लोकतंत्र में आप समझ लीजिए जितना सरकार ये तानाशाही रवैये से चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी अपनी बात आंदोलन के जरिए अपनी बात नहीं रख सकता है। लाठी चलाने का काम योगी महाराज की पुलिस करती है। इनके लिए हम लोग इधर उधर जरूर हो गए, कांग्रेस में आ गए, लेकिन मन हमारा समाजवादी पार्टी में था, तब भी लगा था मन समाजवादी पार्टी में। जहाँ 15 साल आप काम कर लें, देखिए कहीं ना कहीं दिल से लगाव तो होता है पार्टी से। और भी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस परिवार को दिया भी, इस परिवार को जितना समाजवादी पार्टी ने दिया है कोई नहीं दे सकता है। हम दूसरी जगह भी कुछ दिन रह के आ गए, मान लिया क्या हमको मिला क्या नहीं मिला, हम लोग अच्छी तरह अनुभव करके पुनः अपने घर वापस करने का। अपने नेता पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर, माननीय नेताजी पर विश्वास, पुनः पार्टी पे विश्वास करके दोबारा हमने अपने घर वापसी।